एवरीवन गाइस, तो अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 8 का नाम है गाइस रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और गाइस इस टॉपिक से अगर आप लॉकडाउन में देख रहे हो इस वीडियो को, सो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक का पूरा पार्ट्स डिलीट नहीं किया है, कुछ ही पार्ट्स डिलीट किए, इसलिए मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इसके लिए, ठीक है। सो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, कुछ ही चीजें इसमें से गायब की है, वेंटिलेटर वगैरह वाला पार्ट, बाकी और सब कुछ है। सो आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा, और ये बायोलॉजी क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का पार्ट नंबर 1 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर का। तो गाइस मैं हूँ प्रशांत, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले ना आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फिलहाल मैं बताऊंगा, मैं ही तो आंसर बताऊंगा और मैं ही क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। सो देखो, मैं भी क्वेश्चन ना पूछते हुए सीधा सा आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। अपनी बॉडी, ध्यान देना अच्छे से, अपनी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। लाइक आपने सुना होगा बहुत सारे प्रोसेस, लाइक रेस्पिरेशन है, पहला यही है लिख देता हूँ, ठीक है, रेस्पिरेशन है, फिर अपना सर्कुलेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस यार, एक्सक्रीशन है, ऐसे कितने लिखूं, बहुत सारे प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आप चैप्टर तो पढ़ोगी, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जिसको भी एमबीबीएस बनना है, जिसे डॉक्टर बनना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो कभी भी भूलना नहीं है तुम लोग को, ठीक है। देखो तो बॉडी है, इसके अंदर हमारी बॉडी, हमारी खुद की बॉडी, अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमारी खुद की बॉडी बहुत सारे प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जिसमें से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो क्या गाइज ये जो टॉपिक्स, अभी एक व्हीकल है, मान लो व्हीकल, व्हीकल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए रहता है, तो वैसे ये सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी को भी कुछ चाहिए रहेगा ना। सो वो जो चीज चाहिए उसका नाम है एनर्जी। अपनी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, तो अपनी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अपनी बॉडी को भैया एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। कहाँ से मिलती है? प्रोटीन के कंपाउंड से। ऐसे अपने बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अपने बॉडी को इन्हीं से मतलब, अपने बॉडी को रोटी पानी से मतलब नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन लिख लो यहाँ गया, ठीक है। सो इन सारी चीजों से अपने बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब गाइज एग्जैक्टली ये प्रोटीन वगैरह कहाँ से मिलता है? तो राइस से, कार्बोहाइड्रेट जो है वो रोटियों से मिलता है, लिपिड्स ऑयल वगैरह, फैट्स वगैरह ऑयल से मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है। ये जब हम खाना खाते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो वो एनर्जी बनाता है और वो एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए होती है। सो गाइज जो अपने बॉडी, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग रोटियां खाते हैं, राइस खाते हैं, सारी चीजें खाना खाते हैं। हम जब खाते हैं तो क्या होता है, पहले सुनो ध्यान से, हम जब भी कोई भी चीजों को खाते हैं तो उसके वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स जाता है। लेकिन अपने बॉडी को वो भी नहीं चाहिए, अपने बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने 10th में पढ़ा होगा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सबको मालूम होगा, बच्चा ही बताएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहा जाता है एटीपी, और अपने बॉडी को यही एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए होती है, इसी के फॉर्म में जरूरत होती है। लेकिन हम लोग किस फॉर्म में खाना खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट्स के फॉर्म में। यानी कि ये क्या है, ये अपना अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपने देखा भी होगा जब आपने चैप्टर नंबर 4 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, तो वहां पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो नहीं, मैक्रो, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन। बट अपने बॉडी को सिंपल मॉलिक्यूल्स चाहिए होती है एनर्जी की, लाइक एटीपी। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, अब ये सारे प्रोसेस है, सबका अपना अपना काम है। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ब्रेन को, ब्रेन से रिलेटेड अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डाइजेशन अपने खाने को जो हम खाते हैं उसे पचाने में हेल्प करता है, सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन रखता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इसका क्या काम है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन इन प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स हमको मिल जाता है। देखो हमने रोटियां खाई, खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे डाइजेस्ट कर दिया,
और हमें उससे वहां से कार्बोहाइड्रेट निकाल के दे दिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल के दे दिया। बट क्या हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए? नहीं, उसको एटीपी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या चाहिए, क्या बनाना पड़ेगा? एटीपी। तो उसके लिए फिर सेकेंड प्रोसेस काम में आता है, रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। सो रेस्पिरेशन अब एटीपी में कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। फिलहाल इन सभी से हमें एटीपी मिलती है, लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबसे। तो कार्बोहाइड्रेट को अब एटीपी में कन्वर्ट करना है बिकॉज अपनी बॉडी को एटीपी चाहिए होती है। सो उसके लिए कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन। ये बात आपको ध्यान रखना है। सो उसके लिए हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो गाइज आज हम यही जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके, तो अभी आपके माइंड में एक पक्का सा ओवरव्यू अच्छा खासा बैठ गया रहेगा कि हम जब खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। एनर्जी पहले हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, इन सब फॉर्म में। बाद में इस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एंड इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल रहता है ना, बाकी का जो रोटियां वगैरह जो आप निकाल के आते हो, तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल के आते हो। अभी सब निकालते हो ना कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है चार पांच दिन तक। निकालना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं निकालोगे तो फिर मुंह के तरफ से निकलने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा निकाल के आने का। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है और उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मिलता है। फिर हमारी बॉडी को यह भी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को तो भैया एटीपी चाहिए। तो एटीपी अभी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कोई भी हमें जो मिलेगा उससे हमें एटीपी बनाना होता है। तो उसके लिए हमारा रेस्पिरेशन हेल्प करता है। बचपन में गाइस हमने पढ़ा था कि भैया रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका बाहर का हम लोग आउटसाइड में बाहर रिलीज करते हैं। यानी कि इनसाइड हमारा ऑक्सीजन जाता है और आउटसाइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो कभी ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया क्या, क्वेश्चन कि ऑक्सीजन ही क्यों? ये एनवायरमेंट में तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी दुनियादारी गैसेस है, तो क्यों हम ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं और फिर क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है और क्यों गैसेस नहीं निकलती हैं? ऐसा नहीं है भाई, और भी गैसेस निकलती है बट अलग अलग एरिया से निकलती है। ठीक है, बट अपना जहां से ये ऑक्सीजन जाने का जो रास्ता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। और किसी कोई अगर वर्क एक्सचेंज हुआ तो भाई मैं नहीं जानता हूं कि दूसरे जगह की गैस निकलने वाला का भाई किसी का नोज से हो गया रहेगा, आई डोंट नो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ओके, बट ये आप तुमको पता है। तो भाई ऑक्सीजन ही क्यों? तो हमने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसे पढ़ा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के बारे में हमने कहा अच्छे से पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ओनली ऑक्सीजन ही हो सकता है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, आपका ओवरव्यू बन जाना चाहिए। सो ओनली ऑक्सीजन से ही होता है ऑक्सीडेशन। तो हमारी बॉडी में जो ये प्रोसेस है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, इनको एटीपी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ये ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस की हेल्प से ही हो सकता है। रेस्पिरेशन इनका ऑक्सीडेशन ही करवा सकता है, तभी जाके ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो हमें खाना खाने से मिला था विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, तो ये हमें तभी एटीपी में कन्वर्जन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बाकी किसी और गैस की नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो भैया ये देख लो ये क्या है, मुझे इंसानों की तो नोज नहीं मिले बट जो मिला मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये भैया है कुत्ता और इसके नोज में आज मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें डालूंगा। हालांकि मेरे को काटा था एक बार, काटा नहीं फिलहाल दौड़ाया था, बहुत तेज भागा था मैं, एथलेटिक्स जीत जाता उस दिन अगर इतना तेज भागा था मैं, सोचो। लेकिन क्या बोलूं, एक बार तो साइकिल में भी दौड़ा दिया था, साइकिल में भाग रहा हूं, मेरे को दौड़ा रहा है, भाग रहा हूं, मैं दौड़ा रहा है। ओके इट्स फाइन। तो चलो, तो भाई रेस्पिरेशन मीन्स आपको समझ चुका है, अब ध्यान देते हैं आगे। रेस्पिरेशन भैया होता है दो टाइप का। पहला होता है आपका नॉर्मल आप कह सकते हो फिजिकल लेवल। कौन से लेवल में? फिजिकल लेवल में। और दूसरा होता है सर्कुलर लेवल। कौन से लेवल में? सर्कुलर लेवल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो दो लेवल्स में अपना रेस्पिरेशन होता है। तो भैया जो फिजिकल लेवल होता है ना, फिजिकल लेवल में क्या होता है, जस्ट इन्वायरमेंट और हमारी नोज। ये जो नोज है हमारी नहीं है, ये तो कुत्ते की है बट हमारी भी ऐसी होती है, बस काली नहीं होती है हमारी और इतने बाल नहीं होते बस। ठीक है, ओके, किसी की ऐसी होगी तो बता देना भाई, फोटो भेज देना मेरे को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, तो बहुत सारी फिजिकल लेवल में हमारा यहाँ से देखो, एनवायरनमेंट से एयर अंदर जाती है और अंदर से हम ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये फिजिकल लेवल में रेस्पिरेशन हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। और यही अगर फिजिकल लेवल में हुआ ना, मतलब एनवायरनमेंट और अपने नोज के लेवल में, तो इसे हम फिजिकल लेवल कहते हैं। और यही ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना अगर हमारे बॉडी के सेल्स के लेवल में हुआ तो हम इसे कहते हैं सर्कुलर लेवल।
ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये सर्कुलर लेवल ही हमें सबसे ज्यादा डीप में आज पढ़ना है। सर्कुलर लेवल ये रेस्पिरेशन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, इसका मैं सब अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। और अगर ये सेलुलर लेवल सर्कुलर जो अपना फिलहाल सेलुलर लेवल है ये, ठीक है, मैंने सर्कुलर सर्कुलर करके सर्कुलर लिख दिया है, ठीक है, तो आप इतना तो समझ सकते हो ना, ये है सेलुलर लेवल। ओके, तो सेलुलर लेवल में सेल्स के लेवल में जो होता है रेस्पिरेशन, सेल्स के लेवल में हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, तो सेल्स के लेवल में जो रेस्पिरेशन होता है, तो ये यहाँ पे फिजिकल लेवल और सेलुलर लेवल है, एक्चुअली वहां पे सर्कुलर लेवल लिख दिया था मैंने, ठीक है। सो सेलुलर लेवल होता है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब मिक्स हो जाता है अपने ब्रेन के अंदर। बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, ऐसा लेके चलता हूं ना ऐसा रोड रोड में, सब लोग देखते हैं बहुत भारी है, बहुत दिमाग है, ठीक है। सो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है, तो भाई सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में ना अगेन दो टाइप्स आती हैं। पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, अपने बॉडी में दोनों होते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो ये हो गया सेलुलर लेवल, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मे बी ये सारे लोगों को पता हो, नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूं, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, चलो। और बाकी फिर इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और बाकी चीजें आपको मालूम है, ठीक है, वो आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो ये बातें आपको याद रखनी है। रेस्पिरेशन जो होता है ये फिजिकल लेवल में और सेलुलर लेवल में होता है। सेलुलर लेवल में कैसा, वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के पास वहां पे होता है, जो उसे सेलुलर लेवल कहते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन देते हैं हम ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये कहां पे लेवल में हो गया, सेल के लेवल में, इरेथ्रोसाइट, आरबीसी को कहा जाता है, ब्लड के लेवल में, इरेथ्रोसाइटिक लेवल में। तो जब हम ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन देते हैं ना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये मान लो ब्लड का स्ट्रीम है, ऐसे ऐसे ब्लड है, और ब्लड को जब हम ऑक्सीजन देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो भी रेस्पिरेशन ही हुआ ना, तो उसे हम सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिजिकल लेवल रेस्पिरेशन जब हम एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो अपना हो गया फिजिकल लेवल, जिसे ये यहाँ पे करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो गाइस अभी देखते हैं आगे, तो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन आगे बताऊंगा। द टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको लगा होगा ऐसे ही बताया सर ने, मैं इसलिए बताया हूँ। एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो टाइप होते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के। देन व्हाई शुड वी रेस्पायर ऑल द टाइम, हम हमेशा ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, हम हमेशा क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, किसी की नाक पकड़ के एकदम दबा दो, कुत्ते की नाक पकड़ के दबा दो तो ये क्या होगा, ये मर जाएगा थोड़ी देर में। तो क्यों ये भाई रेस्पिरेशन दुनिया के सारे एनिमल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन अंदर नहीं लेंगे ना तो अपनी बॉडी में ना भैया ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है, जो हमारे बॉडी में खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमें अंदर क्रिएट किया है, तो इससे भैया वो एटीपी मॉलिक्यूल कभी नहीं बनेगा अगर भैया जब ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे। अभी देखो तुमने सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल। तो जब भाई ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तभी ना एटीपी बनेगा, ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोगे तभी ना लाइफ चलेगी, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां से आएगा, जब हमारा रेस्पिरेशन होगा। सो इसीलिए हम हमेशा हर एक टाइम हर एक वक्त हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा हमको 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा इंस्टेंटली, और हमारी बॉडी तुरंत मर जाएगी, बिकॉज हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो पहले क्या होगा, हमारे लीवर ब्रेन ये सब तो कुछ जल्दी कुछ नहीं होगा, हमारे छोटे छोटे जो सेल्स है, अगर हमारे अंदर एक से दो मिनट तक भी सांस नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गया, तो छोटे मोटे जो बॉडी के सेल्स है, अंदर के स्किन के अंदर जो सेल्स है, और भी लीवर फंक्शनिंग के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ही किडनी फंक्शनिंग के सेल्स है, हार्ट के सेल्स है, ब्रेन के सेल्स है, वो खत्म मरने लगेंगे, और जब वो सेल मर जाएंगे तो फिर हमारा वो ऑर्गन भी मर जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेल से अपना बनता है टिश्यू, सेल से क्या बनता है टिश्यू, और सेल को चाहिए भैया ऑक्सीजन, क्योंकि तभी तो एनर्जी बनाएगा ना, आपने पढ़ा भी है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, वहीं से ये एनर्जी बनाता है, प्रोटीन वगैरह वहीं से बनती है, और ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल वो सब पढ़ा है ना, वहां से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनती है, तो सेल तभी एनर्जी बनाएगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो भाई जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी ना एनर्जी बनाएगा, तो अगर एनर्जी नहीं बनी तो सेल मर जाएगा, तो टिश्यू भी मर जाएगा, और टिश्यू से जो अपने ऑर्गन बनते हैं वो भी मर जाएंगे, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है तो फिर हमारी बॉडी भी मर जाएगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन की हमें 24 घंटे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसीलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं,
ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा ओवरव्यू हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में, वैसे भी ह्यूमन बींग्स के बारे में ही पढ़ना है, बट ये बुक वाले को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, ये बुक वाले को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए इसने क्या किया है प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा डाल दिया, तो डाल दिया तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा भाई, तो प्लांट्स के बारे में डाला तो चलो पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसे कि गाइज आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो घास खाने वाले हो चाहे वो रोटियां खाने वाले हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी खाना खाते हैं ना, तो उनके बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही, सारे के सारे जो भी फूड मटेरियल होता है उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही क्रिएट करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फिर ऐसे लिपिड हो गया, इन सभी फॉर्म में ही क्रिएट करता है। बट हमारे बॉडी के सेल्स को चलाने के लिए ये फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी के फॉर्म में चाहिए, लेकिन एटीपी इनसे ही मिलता है इसीलिए हमको इसकी जरूरत होती है, ठीक है। सो एटीपी में चाहिए तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, बट ये कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो हमारी बॉडी में एनर्जी को बहुत सारे प्रोसेस को डन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसीलिए जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और अगर हमें इस बॉडी को यूज करना है तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्जन करना पड़ेगा, और इसी कन्वर्जन करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही गाइज हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर मिलता है, और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा तभी तो हमारे बॉडी के अंदर की ये जो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये सभी के सभी ऑक्सीडाइज होके और हमें ओटीपी एटीपी मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बना देंगे। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि हमारे बॉडी में सबसे पहले एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और उसे यूज करना है अगर तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ तो किसके थ्रू ऐसा होता है, कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, तो दिस कन्वर्जन ओनली कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस भाई एग्जैक्टली क्या होता है। तो इस दुनिया में ना मेरे अंदर ना तुम्हारे अंदर, हम सभी के अंदर इस दुनिया में, चाहे कोई भी गाय भैंस बकरा कुछ भी हो, सभी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं सब रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, जितने भी दुनिया में एनिमल है सभी के सभी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए ये एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई ये टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और इसे आप बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हो। वाई बायोकेमिकल प्रोसेस, तो कभी तो ग्लूकोज का नाम सुने रहोगे ना कभी तो फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये सब का नाम सुने रहोगे ना, ये होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। सो एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में ओज वर्ड आता है ना, लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फिर फ्रक्टोज, सुक्रोज, फिर ठीक है राइबोज, ये सब के सब क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में इन मिल जाए ना तो समझ लेना कि वो प्रोटीन है, लाइक ट्रिप्सिन, मायोसिन, लाइसिन, एक्टिन, ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। अभी देखो एक्टिन जो होता है नाम का प्रोटीन, वो अपने मसल्स में होता है, मायोसिन भी मसल्स में होता है, ट्रिप्सिन नॉर्मली बहुत सारे फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, फिर अपने बॉडी में ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। किसी भी अगर एंजाइम को पहचानना है, एंजाइम को पहचानना है, तो हमारी बॉडी में कभी भी लास्ट में अगर एज वर्ड आया, किसी भी इंग्लिश के लास्ट में एज वर्ड आया, इंग्लिश में मतलब जब बायोलॉजी पढ़ोगे तभी, सभी में नहीं, तो आपने सुना होगा आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज ऐसे सुना होगा ना, ठीक है, एंजाइम वो सारे के सारे कहलाते हैं। तो एज आया तो एंजाइम, इन आया तो प्रोटीन, ओज आया कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी केमिकल फॉर्मूला हुआ ना, कहाँ मिलता है एनवायरनमेंट में मिलता है, इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल कहते हैं, और इसी को हमें ब्रेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऐसा किस प्रोसेस की वजह से होता है, रेस्पिरेशन की वजह से, तो इसीलिए हम इसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, और जिसके वजह से हमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये बात गाइस आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली भाई रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे ऑक्सीडेशन, ये जितने भी है ना, ये सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही तो हमें खाना खाने के बाद मिलता है ना यार, तो इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तभी ना हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी, ठीक है। सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन,
किसका ऑक्सीडेशन? ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्यों करना है? तो इन ऑर्डर टू मैनर फॉर दी और फॉर इन ऑर्डर टू मैनेज फॉर दी लिबरेशन मींस रिलीज करना, लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। समझा अच्छे से? तो ये होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन का एक ही काम है कि ये एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है और जिसकी मदद से हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना, जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आप इसका रिएक्शन को याद कर लो यार, C6H12O6, ये होता है भाई अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज को करूंगा ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और हमें 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलती है। फिलहाल जितना आसान सा यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना आसान टॉपिक होता नहीं है, इतना आसान प्रोसेस होता नहीं है कि ग्लूकोज को आप जस्ट ऑक्सीडाइज कर दो तो आपको सीधा 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए हमें 3 स्टेप में जाना होता है। पहला हो गया भाई ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम देखो अभी हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी चीजें आती है लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज सब आते हैं। तो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ग्लूकोज का अभी हमको ग्लूकोज ही मिलता है ना खाने से, रोटियां खाओगे ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है? तो ग्लूकोज हमें मिलता है तो ग्लूकोज थोड़ी एनर्जी है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कौन कराएगा ऑक्सीडेशन? रेस्पिरेशन प्रोसेस जो अपने बॉडी में होता है। जैसे ही ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सांस लेंगे तभी ना ऑक्सीडेशन अंदर होएगा, ठीक है? तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने बॉडी में आएगा ना तो वैसे ही यहाँ पे सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है और ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर उससे टीसीए साइकिल होता है और फिर हमारे बॉडी में उसके बाद जाके कहीं ईटीसी साइकिल और देन हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। ऐसे होता है सारा प्रोसेस, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो भाई ये हो गया सारा चीजें। अभी हमको चलो रेस्पिरेशन करना है तो हम उसके बारे में पहले क्यों ना ये समझें कि भाई एग्जैक्टली रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है। तो पहले प्लांट के बारे में समझेंगे, फिर हम अपनी बॉडी में समझेंगे, अपनी बॉडी के बारे में समझेंगे। तो भाई गैसियस एक्सचेंज, अपनी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज बहुत होता है। हम अलग अलग जगह से छेदी लाल बन जाते हैं, हम दोनों तरफ से गैस छोड़ते हैं, ठीक है? और एक ही तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से जो लेता रहेगा भाई बता देना। तो भैया मैं तो नोज से लेता हूँ गैसेस, नोज से, ठीक है? मैं गैसेस लेता हूँ और नोज से ही गैसेस छोड़ता हूँ। एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, सो हम लोग गैस लीव करने के दो रास्ते यू नो ऑलरेडी, ठीक है? और भी बहुत सारे रास्ते, ठीक है? ओके, तो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है हमारे ऑर्गेनिज्म में और एनवायरमेंट के बीच में, सभी करते हैं, बस किसी का ऐसी होती है कि एकदम उठ के भाग जाओगे और कभी कभी नॉर्मल होती है, ठीक है? चलो तो अभी भाई गैसेस एक्सचेंज करनी है सो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। सो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब क्या है कि जो ऑर्गन्स एनवायरमेंट से गैस लेते हो और एनवायरमेंट को गैस देते हो, तो ये क्या होती है? ऑर्गन्स कहलाते हैं। मतलब इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑर्गन्स। मतलब जो रेस्पिरेशन वाले सिस्टम्स है लाइक ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो जिन्हें आप, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हें जो एनवायरमेंट से लेता हो और एनवायरमेंट को देता हो उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करती है। सो एक कुछ रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज करने के लिए कि भाई वही ऑर्गन्स एक्सचेंज करेगा गैसेस को, कौन करेगा? तो उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। जो भी अपने पास मतलब रहेगा ना ऑर्गन्स, जैसे अपना अभी नोज है तो इसके पास है अच्छा खासा एरिया है, बहुत ज्यादा, एक फिंगर तक अंदर आप डाल सकते हो, तो ये होता है लार्ज सरफेस एरिया। ऐसे ये थीन होना चाहिए और हाईली वैस्कुलर, इसमें वैस्कुलर इसमें बहुत सारे ज्यादा होने चाहिए और परमिएबल होना चाहिए गैसेस के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि गैसेस को आने ही ना दे, गैसेस को जाने दे, ठीक है? अभी जब आपके मतलब नोज में कभी कभी अगर मलाई भर जाती रहेगी तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे कभी भी आपकी गैस अंदर जाती है क्या? नहीं जाती है, ठीक है? सो उस टाइम पे फिर अपनी गैसेस परमिएबल नहीं होती, उन्हें परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने के लिए। तो इट शुड बी परमिएबल, ठीक है, टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरी बात, ये मॉइस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम पत्थर जैसा बन जाए, हाथ में डालो तो वो भी कट के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि थोड़ा बहुत मलाई रहेगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो ये थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने की। चलो थोड़ा सा प्लांट्स में देख लेते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो बहुत सारे गाइस प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो फैसिलिटेट करते हैं कि गैस एक्सचेंज हो, और ये ओनली डिफ्यूजन की वजह से होता है। हमने इसे पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, आगे अगर आप डिफ्यूजन पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ है डिफ्यूजन के बारे में। देखो यही फायदा होता है रिड्यूस करने का, सिलेबस कोई घाटा ही नहीं होता, इसलिए तो मैं सब लाइन से पढ़ा रहा हूँ।
और ठीक है, और जो चीजें आपको ना लगे कि ये नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ो, बस खत्म कहानी। आप अपने सामने बुक तो ओपन करके रखोगे ही, जो टॉपिक यहाँ पे नहीं रहेगा उस टॉपिक को मत पढ़ना, अगले टॉपिक में जाना। तो खुद ही आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई अगर मैं कोई टॉपिक मिस करूंगा करूंगी तो आगे का टॉपिक नहीं होने वाला है मेरा, ये आप याद रखो अच्छे से। सो डिफ्यूजन के वजह से हमारी गैस अंदर आती है और गैस बाहर जाती है। अब जब आपने छठवां चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो डिफ्यूजन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्यूजन मतलब होता है माइग्रेशन, किसी चीज का माइग्रेशन होना, किसी चीज का माइग्रेशन मतलब आना जाना, किसी चीज का अंदर आना, किसी चीज का अंदर से बाहर जाना, ये होता है माइग्रेशन। और यही प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के नाम से होता है। डिफ्यूजन में यही होता है, माइग्रेशन होता है। हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर का डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन। तो अपने जो प्लांट होते हैं ना भाई, प्लांट में अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो डिफ्यूजन करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्स भाई स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, रूट में, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। पोर्स यानी होल, छोटे छोटे होल, जो होल होते हैं ना छोटे छोटे, वो होल करते हैं अपने सारे के सारे रेस्पिरेशन को। और ये पोर्स पूरे के पूरे प्लांट में हर जगह होता है, जहां देखोगे वहीं पोर्स होगा। और उसी के हेल्प से अपना प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है प्लांट और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल छोड़ता है। तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स, प्रेजेंट ऑन द स्टेम, प्रेजेंट ऑन द लीफ, प्रेजेंट ऑन द रूट, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने गाइस आपको बताया था स्टोमेटल स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर नंबर 6 में। स्टोमेटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो लीव्स होती है, लीव्स, ठीक है, जो लीव्स होती है ना, मैं अभी तक सिर्फ यही लीव्स बनाने जानता ही हूँ, ऐसा हार्ट लाइक का, ठीक है, और बाकी मेरे को नहीं आती है। तो ये लीव्स जो होती है ना, लीव्स, इन लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा दिन में चालू रहता है और रात में बंद हो जाता है, ये मैंने बताया था चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, सो स्टोमेटा के वजह से, स्टोमा कहो या स्टोमेटा कहो, ये लीव्स में होता है, इन्हीं की हेल्प से अपनी प्लांट की जो बॉडी होती है या ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है बाहर से, इन्वायरमेंट से, बाहर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ेगी। किसके हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। तो यही होते हैं पोर्स, अपने भी पास पोर्स होते हैं, मैं बताऊंगा, पोर्स मींस होल, तो अपने पास भी है होल, ऐसी बात नहीं है, अपने पास बहुत बड़े बड़े होल है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो पहले स्टोमेटा के बारे में देखो, ठीक है। सो स्टोमा, यहाँ पे लीव्स में भी ऐसी टाइप के पोर्स होते हैं, पोर मींस होल, ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ते हैं। और इन छोटे छोटे होल लाइक पोर लाइक सेल्स को हम लेंटी सेल्स भी कहा करते हैं। स्मॉल स्मॉल सेल्स को जो पोर होते हैं, जिनमें पोर्स यानी होल्स होते हैं, इन्हें हम लेंटी सेल्स भी कहते हैं, लेंटी सेल्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये भाई प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी हेल्प से अपना प्लांट रेस्पिरेशन करता है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ गई होगी ना। अब बढ़ते हैं हम एनिमल की तरफ। तो भाई जो एनिमल होता है ना, प्लांट से बहुत ही अलग है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो नॉर्मली लीफ में छोटे छोटे होल हो गए, उनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ दिया, ये हो जाता है अपने एनिमल की तरफ से। बट क्या होता है एनिमल में, एनिमल में आपने सुना ही होगा कि एनिमल की जो बॉडी होती है, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो ना, छोटे छोटे सेल्स किस तरीके से एक साथ आके ऑर्गेनाइज होके ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ये एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड रहता है, यानी कि स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक एनिमल्स को होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी, कहीं से भी रेस्पिरेशन करो प्लांट्स के जैसे, रूट से भी करो, स्टेम से भी करो, लीव्स से भी करो, हर जगह से करो, जहां से मिले वहीं से ले लो, ऐसा नहीं होता है। अपने ह्यूमन बींग्स में अभी ऐसा होने लगे तो हम कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर लेने लगेंगे, जहां जहां भी मिला पोर्स होल, जहां जहां मिला वहीं से ऑक्सीजन अंदर ले लो, ऐसा नहीं हो सकता हमारे अंदर। हमारे अंदर उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाया गया है जिसका नाम है नोज, ठीक है, उसी के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और उसी के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, और बाकी होल जो है दूसरे काम के लिए बनाया गया, वहां से दूसरी गैसेस निकलेंगी लाइक मीथेन वगैरह, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे सुगंध देती है, ठीक है, तो के याद रखो अच्छे से। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है ऑर्गेनिज्म में, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, और फिक्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में फिलहाल, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो कुछ जान लेते हैं कि हर एक अलग अलग टाइप के एनिमल्स में भी किस किस तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है।
देखो प्रोटिस्ट है, स्पॉन्जीज एंड सिलेंट्रेट्स। आप बोलोगे भाई ये सिलेंट्रेट्स क्या होता है, ये सारे फाइलम्स के नाम है, प्रोटिस्ट, स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट। तो ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। ऐसी फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया, एनेलिडा, अर्थवर्म, नेरिस, एम्फीबियंस, ये सब के सब भी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक है। सेमी एक्वेटिक का मतलब पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक मीन्स होते हैं पानी, पानी में भी रहते हैं और पानी में नहीं भी रहते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे सारे होते हैं इस तरीके से, यानी फ्लैट वर्म लाइक प्लेनेरिया, एनेलिडा, ये सब के सब अर्थवर्म है, नेरिस, नेरिस एम्फीबियंस, नेरिस मीन्स पैसा, पैसा देखे हो ना, पैसा वही होता है। तो ये सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक दोनों होते हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ही रेस्पिरेशन करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह, ये सब टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और इनके पास ट्रैकियल, जिसे हमारे पास ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो ट्यूब्स इनके पास भी होते हैं और स्पाइनेकल्स भी होते हैं। ऐसी अरेक्निड्स लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ये भी लैंड में चलते हैं, हवा में उड़ नहीं सकते। अभी बिच्छू हवा में उड़ता है क्या? नहीं ना। तो वैसे इनके पास भी रेस्पिरेशन के लिए बूक लंग्स होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट है लेमुलस, जिसे ऑर्थ्रोपोड भी कहा जाता है। ऑर्थ्रोपोड मीन्स जिसके पास बहुत ज्यादा लेग्स होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा लेग्स होते हैं उसे ऑर्थ्रोपोड कहते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में सुना होगा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है ये, ठीक है। तो ये भी एक्वेटिक है और इसके पास बूक गिल्स होती है। आपने सुना भी होगा जो फिश होते हैं, फिश उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल्स स्लिट वो प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा ना फिशेस को, यार फिशेस को नहीं देखे हो, ऐसे फिशेस होती है, ठीक है, ऐसे बन जा यार फिश, बन जा आज मेरे से, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ फिश होती है, ठीक है। सो ये जो फिश होती है ना, फिश ऐसी, अरे वाह, ठीक है, ये है फिशेस। तो फिशेस को भाई यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लाइंस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट, क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट। और इसी के वजह से अपनी फिशेस पानी के अंदर ऑक्सीडेशन करती हैं, पानी के अंदर रेस्पिरेशन आप कह सकते हो, पानी के अंदर क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। है तो एनिमल ये भी ना, ये क्या करती है पानी के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो H2O पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन को ये गेन करते हैं। और अगर हमारे पास भी काश ये फेरेंजियल गिल्स स्लिट होता तो हम आज के डेट में पानी में भी रहते, ठीक है, बट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो याद रखो अच्छे से। चलो आगे आते हैं एम्फीबियंस लाइक टैडपोल्स और फ्रॉग्स, टैडपोल ही फ्रॉग भी होता है ये भी, और सेलेमेंडर लाइक, सेलेमेंडर पता है ना, सेलेमेंडर मतलब वो यार छिपकली, ठीक है, एंड न्यूड्स, न्यूड्स मुझे भी नहीं पता, जाके गूगल में सर्च कर लो। अरे दुनिया में करोड़ों एनिमल्स यार, सबके नाम थोड़ी किसी को याद रहते हैं, दुनिया में किसी को सबके नाम याद नहीं होंगे, दुनिया में एक भी इंसान को सबके नाम याद नहीं होंगे, ठीक है, सभी के नाम, हाँ मे बी मैक्सिमम नाम याद होंगे बट सभी, अभी तो आधे एनिमल पता भी नहीं चले कितने हैं, ठीक है, तो जाके न्यूड्स क्या होते हैं सर्च कर लेना, मे बी तुम्हें पता हो, आई डोंट नो। चलो तो यहाँ पे ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, पानी में, और एक्सटर्नल गिल्स होती है इनको, बाहर होती है जैसे फिशेस को होती है नॉर्मली। और ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग पता है ना एम्फीबियंस होता है, पानी में भी रहता है लैंड में भी रहता है, तो ऐसा इनका हालत है। जैसे फिशेस भी होते हैं एक्वेटिक और इनको इंटरनल गिल्स स्लिट रहती है। रेप्टाइल जो स्नेक वगैरह हो गया, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में तो हम भी आते हैं, मैं नहीं आता हूँ, फीमेल्स आते हैं मैमल्स में, ठीक है, फिलहाल मैं भी हूँ, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल जो होता है, टेरेस्ट्रियल लैंड में हम रहते हैं, हम पानी होनी में भाई नहीं रहते, हम मिट्टी में रहते हैं, और हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, बकायदा लंग्स होता है। और फिर टर्टल्स हो गया जो अंडर वाटर में, उसके पास क्लोआका नाम का एक ऑर्गन होता है, क्लोआका, जिसे हमारे बॉडी में लंग्स जो होते हैं, चेस्ट, उसे हम कहते हैं अपने अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो उसके अंदर क्लोआका नाम का ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। तो गाइस अभी तो आप एक बात जान ही चुके हो कि किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, किस तरीके से प्लांट की बॉडी में एनर्जी बनती है। तो अभी हम लोग जानेंगे अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अभी हम अपनी बॉडी में समझेंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से, सारी चीजों को हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे अभी अपनी बॉडी में। तो चलिए बढ़ते हैं भैया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ अभी हम बढ़ते हैं और इसी के बारे में अभी हम अच्छे से अच्छी खासी स्टडी करेंगे। तो भैया जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें दो चीजें होती है, पहला हो गया इंस्पिरेशन, दूसरा हो गया एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के थ्रू हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर, और एक्सपिरेशन के थ्रू हम भाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर। और ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, गैसेस, अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये सभी गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे ह्यूमन भी। अब हम पर्टिकुलर इंसानों की बात करेंगे, थोड़ा सा लंग्स के बारे में बात कर लिया तो अभी इंसानों के बारे में करना है, बिकॉज ये मेडिकल नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं,
एक्सपिरेशन मतलब जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और ये सब के सब कहाँ पे होता है? अभी हम सेलुलर लेवल की बात करेंगे, ना कि अभी हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, सेलुलर लेवल। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। चलो तो आगे अभी बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो गैसेस होती है ये देखो अभी क्या होता है, देखो सिंपल सी बात समझनी है आपको, अपने पास इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है, मैं थोड़ा छोटा सा बनाऊंगा बस यहाँ पे आपको थोड़ा समझने के लिए, इतना आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। और ये अपना इस तरीके का लंग्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ओके। और यहाँ पे क्या होते हैं इस तरीके से, एक सपोज ये आपका यहाँ पे एल्वियोलाय है, ठीक है, आगे स्ट्रक्चर है भी मैं दिखाऊंगा अभी, बट थोड़ा देख लो। और ये इस तरीके के यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारी यहाँ पे नसें होती है, मैंने एक बड़ी सी बना दी। यहाँ से ऑक्सीजन आपने लिया, ऑक्सीजन ऐसे आया दोनों तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे ब्लड घूम रहा है, तो यहाँ पे आएगा और ऑक्सीजन अंदर देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस से लेगा, समझा कि क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऑक्सीजन बाहर से आने के बाद विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाय हम ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं अंदर, अभी आगे बताऊंगा, तो इन आर्टरीज और वेन्स में क्या बहता है, इन आर्टरीज और वेन्स में ब्लड बहता है, खून। तो इसी में हमारा क्या होता है, इसी में हमारा ऑक्सीजन जाता है, और ब्लड के पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, 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 याद रखो अच्छे से। मेल में हीमोग्लोबिन 11 से लेकर 12 तक का रेंज होना चाहिए, 14 भी चलेगा, और फीमेल में ज्यादा होना चाहिए, फीमेल में 14 से लेकर 18 के बीच में, बिकॉज उनको ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है, हमको नहीं, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर 28 डेज में, ये तुम्हें पता होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आता है थ्रू द ब्लड, मतलब थ्रू द ब्रोंकाय और दिस ट्रैकिया, यहाँ से इस तरीके से ब्लड अपना ऑक्सीजन आता है और ब्लड स्ट्रीम में लंग्स के अंदर क्या होता है, अंदर छोड़ देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड के पास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे छोड़ देती है। तो ऑक्सीजन का लेना, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना, ब्लड में छोड़ना, और ब्लड के बाद वापस से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, फिर उसको बाहर छोड़ना, यही प्रोसेस हमारा बार बार चलते रहता है। तो बड़ी बारीकी से समझेंगे कि यह प्रोसेस कैसे बार बार होता है, तो क्यों ना पहले हम समझ लेते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है अपनी बॉडी में। तो अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, पहला हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपनी बॉडी में अपर मतलब पता है ना, ऊपर गले के ऊपर, समझा, इसे कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक वगैरह। इसके अंदर एक्सटर्नल लेयर्स, लेयर्स मतलब क्या होता है, होल, नॉस्ट्रिल जिसे कहते हैं नॉस्ट्रिल, तुम्हारे पास भी दो होल है ना, दिखाता हूं मैं, रुक जाओ, इधर गया भैया अपना कुत्ता, किधर गया, इधर है देखो, ये हो गया नॉस्ट्रिल, अभी आपको दिख रहा होगा ये नॉस्ट्रिल है, जरा इसके नाक में नाक लगा के सूंघो, जरा कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉस्ट्रिल, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल है, नेयर्स जिसे कहते हैं, नेयर्स आगे बताऊंगा। ऐसी नेसल कैविटी जिसके अंदर आप फिंगर डाल के और मलाई निकालते हो, उसे नेसल कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है जानते हो, कैविटी मतलब एम्प्टी जगह, खाली जगह। फिर इंटरनल लेयर, अंदर का होल, अंदर के ट्यूब जो होता है। फिर ऐसे नेसोफेरिंग्स आगे बताऊंगा, नोज एंड थ्रोट यानी गला, ये तो तुम्हें पता है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ऐसे तुम्हारे बुक में कोई नहीं बताने वाला है, तुम्हारे बुक में कहां लिखा है तुम पढ़ोगे तो ही समझेगा, मैंने पूरा क्लासिफाई करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स यानी कि अब गले की बात आ गई, ठीक है, अपने गले के नीचे देख रहे हैं हम, ठीक है, तो अपना गला कुछ इस तरीके का है, टकला किधर है, ऐसा टकला है, ठीक है, ये अपना गला है और इस तरीके के हम होते हैं, ठीक है, अभी कैसा दिखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ तो हम समथिंग दिखते हैं, ठीक है, चलो तभी आप समझ सकते हो ना इतना ज्यादा क्या है, तो अभी आप इतना जान सकते हो ऐसे हम होते हैं। तो यहाँ पे ये अपना नोज वाला पार्ट हो गया इतना, फिर जब हम यहाँ से अंदर आते हैं, अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ के बाद से जो नीचे है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर, और इसके ऊपर वाला अपर था, समझ सकते हो ना अभी सारी बातों को। तो यहाँ पे लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाय, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब के सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोस्ट सेंसिटिव, ज्यादा मतलब बहुत ही जैसे बाहर का है, दोनों सेंसिटिव होते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और यहाँ पे लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सब का काम क्या है सब बताऊंगा आगे। ये देख लो भाई आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम है, और इस डायग्राम को अभी के अभी याद कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, बाद में तो आगे का कोई टॉपिक ही नहीं समझेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई टॉपिक ही नहीं समझेगा। और याद करने का मतलब जानते हो क्या है, सारे ऑर्गन्स का जो मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नाम बताऊंगा ना, उसका लोकेशन याद कर लेना कि कौन किसके बाद कहाँ आता है, और फंक्शन वगैरह तो आप कैसे दिखता है वो सब बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस चलो फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और ये सब नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे
सबसे पहले भाई अपना नेसल कैविटी आगे दिखाऊंगा। नेसल कैविटी, ये नेसल कैविटी होती है जहां पे अपनी मलाई भरी होती है। कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस। नॉस्ट्रेल मतलब क्या होता है? होल। अभी स्टार्ट हो रहा है, ये इन्वायरमेंट से यहाँ पे मिक्सर रहता है, हम इन्वायरमेंट से यहाँ से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। फिर नीचे है अपना माउथ जहां से हम खाते हैं, और देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी होती है माउथ की आप देख सकते हो, माउथ की और नोज की जहां पे कनेक्टिविटी है, माउथ की और नोज की जहां पे कनेक्टिविटी है वहां पे देखो वो पूरा पार्ट फेरिंग्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फेरिंग्स के अंदर। और देखो कभी कभी आपने देखा भी होगा आपके नाक की मलाई आपके मुंह में भी आ जाती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है, तो ये जो है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी होती है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ये पूरा का पूरा फेरिंग्स के अंदर आता है, और फिर फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ऊपर माउथ, देन नॉस्ट्रिल, देन नेसल कैविटी, देन आता है पहले फेरिंग्स, देन आता है लैरिंग्स सेकंड नंबर में, देन उसके बाद थर्ड पे आता है ट्रैकिया। यानी कि लैरिंग्स कहां पे खत्म होगा? मान लो अगर देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना अच्छे से, ये तीन लाइन है, आप इसी के थ्रू समझो। ठीक है, तो मान लो अगर ये फेरिंग्स है और ये अपना लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है, तो लैरिंग्स कहां पे खत्म होता है? ट्रैकियल वॉल में। और फेरिंग्स कहां पे खत्म होता है? वो लैरिंग्स की वॉल में। फेरिंग्स कहां से ऊपर अटैच है? ये नॉस्ट्रिल से या माउथ से आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अटैचमेंट होता है, इसे याद रखना। ठीक है, चलो। और फिर जो लैरिंग अपना, जो लैरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पे एक ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, ये इसका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसे, यहाँ पे देख लो, और ऐसे अंदर भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा, बट दिखाया नहीं उसने। उसे हम ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। मतलब कि जो अपना ये पार्ट है ना ऐसा, ये जो अपना पार्ट ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ब्रोंकस। ठीक है, और फिर इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स, इसके और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फिलहाल ये भी और है, मतलब देखो क्या समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं। एक बड़ी सी नदी है, एक बड़ी सी नदी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई नदी। फिर इस छोटी नदी के भी बहुत छोटे छोटे नदी बन गए, रिवर, तो इन्हें हम ब्रोंकियोल कहेंगे, और ये बड़ी वाली रिवर को ब्रोंकियल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकस कहेंगे। ठीक है, और इन्हें ब्रोंकियोल्स कहेंगे। समझ गए अच्छे से? इन्हीं से हमारा ऑक्सीजन क्या जाता है? अंदर जाता है, और फिर इन ब्रोंकियोल से कनेक्टेड होते हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई। इन ब्रोंकियोल से कौन कनेक्टेड होता है? छोटे छोटे एल्वियोलाई, देख सकते हो आप यहाँ पे अंगूर के गुच्छों जैसा, यहाँ पे देखो ये एल्वियोलाई है, ये किससे कनेक्टेड होता है? ये अपने ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ब्रोंकियोल होते हैं, और ये अंगूर जैसा दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, क्या कहते हो? एल्वियोलाई। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंकस। और ये क्या है? अपना ट्रैकिया, समझ रहे ना? और ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, और देन अपना माउथ, देन अपना नोज, इस तरीके का सारी चीजें होती हैं। तो आपको समझा रहेगा ना? ठीक है, तो जो ट्रैकिया है ये ऊपर का पूरा जो लैरिंग्स फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये सबका सब जो पूरा पार्ट है, ये सबका सब अपने गले में आता है। आप जिसका भी गला पकड़ोगे ना सब बंद हो जाएगा, समझा अच्छे से? तो ये पूरा ट्रैकिया यहाँ पे आता है, और जो बाकी का ये इनर पार्ट है ये पूरा लंग्स में आता है। देखो मैं ऐसा लंग्स बना रहा हूँ, फेफड़ा, ठीक है, ये यहाँ पे आता है, इस चीज को आपको समझना है। और फिर लंग्स के नीचे होती है एक लेयर, जैसे रामदेव बाबा ऐसा क्या बोलते हैं, कपाल भाती करते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो ऊपर नीचे वो पेट ऊपर नीचे आपने देखा भी होगा, खुद करके देख लो समझ जाएगा। तो जो ऊपर नीचे होता है ना उसे डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम। एक ये पर्दे जैसा होता है, पर्दे जैसा एक मेम्ब्रेन है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, और बाकी राइट लंग और लेफ्ट लंग आपको पता ही है, और रिब्स क्या होती है? हड्डियां जो अपने लंग को कवर करती है, अपना लंग्स जो होता है उसको कवर करती है हड्डियां, ये व्हाइट व्हाइट हड्डियां आपको दिख रही होंगी ना। मैं इसकी 3D भी दिखाऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, 3D में मैं इसकी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो मैं दिखाऊंगा, बस आप तब तक के लिए अभी इसे देख के रखो, ओके। चलो, तो अब ये हो गया, अब हम इन सारे पार्ट्स को लाइन वाला समझेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन अब यहीं से होने वाला है। तो अब आपको अच्छे से याद हो गया कि कहां से किसका कौन सा लोकेशन है। चलो फटाफट देख लेते हैं जल्दी सभी का लोकेशन। पहला है भैया अपना नोज, ये सेम नोट्स आप एग्जाम में लिखना है, इतना पूरा का पूरा लिखना है तभी फुल मार्क्स मिलेगा। तो भाई जो नोज होती है ना, इसके पास बहुत ही छोटे छोटे पेयर ऑफ स्लिट ओपनिंग होती है, आपको दिखा था ना, दो दो ओपनिंग, एक इधर से सेम बोर्ड, इधर से सेम बोर्ड, दो दो ओपनिंग होती है। ठीक है, सो पेयर ऑफ स्लिट ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल नेयर, नेयर मीन्स होता है नॉस्ट्रिल, ठीक है, और जहां से एयर अपना जाता है नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी जहां मलाई भरी होती है, जब सर्दी होती है तो वहां मलाई भरी होती है, तो वहीं पे एयर जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल और नेयर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और ये जो गाइस चैम्बर होते हैं ना, ये चैम्बर,
ये चैम्बर क्रिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिसेंथमॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज आप देखते हो ना, आपका नाक को आप मूव कर सकते हो, बट इतना भी मूव नहीं कि आप कान के जैसा घुमा सकते हो। तो जो कार्टिलेज मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन। ठीक है, तो एक बोन का नाम है जिसका नाम है मेसेंथमॉइड कार्टिलेज। इसी नाम की बोन्स, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बोन है ना पूरी की पूरी, ये क्या है, ये मेसेंथमॉइड कार्टिलेज है। आप इसे कट करके निकाल भी सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं ये अपनी नाक को ठीक करवाने के लिए ऐसा कटवाते उठवाते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि पहले से कोई अच्छा दिखता ही नहीं है, बट पता नहीं क्यों ऐसा करवाते हैं, I don't know। ठीक है, सो ये होता है बोन्स का पूरा, इस तरीके से मेसेंथमॉइड कार्टिलेज से अपनी बोन बनती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया वेस्टिब्यूल। आपने भाई पढ़ा होगा चैप्टर नंबर सेकंड में वेस्टिब्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। आप बोलोगे भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वेस्टिब्यूल, तो अपने नाक में कहां से आ गया? इमेजिन जस्ट यार, कैसे वेस्टिब्यूल जानते हो ना क्या होता है, जस्ट जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, जस्ट समझ लो आप, ठीक है अभी। तो ये आपका पूरा का मतलब आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, देन यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है, समझा, फिर ये यहाँ पे पूरा वल्वा वाला पार्ट है, समझा। तो इसे हम पूरा क्या कहते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी मतलब वेस्टिब्यूल कहा करते हैं, क्या करते हैं हम इसे, वेस्टिब्यूल। ठीक है, सो वेस्टिब्यूल मीन्स क्या होता है, वेस्टिब्यूल मीन्स होता है जिसे आप एक्सटर्नली टच कर सकते हो, समझ गया, तो वो होता है। तो वैसे ही आपके नाक के पास भी इसी तरीके के होल होते हैं, ठीक है, जिसे आप नॉस्ट्रिल जैसा कह सकते हो, जहां पे आप फिंगर्स डाल सकते हो, नॉस्ट्रिल जहां पे आप मतलब ऐसा कर सकते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, वेस्टिब्यूल कहते हैं। अपने पास फिलहाल नोज में दो दो वेस्टिब्यूल्स हैं। तो ये आप, मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आपने उस सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ये भूलना मत, तो सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है, और जिसकी स्किन होती है वो एयर फिल्टरिंग के लिए हेल्प करती है, मतलब कोई कचरा ना चला जाए, एयर को फिल्टर करता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगा, नाइट्रोजन नहीं जाएगा, ऐसा वेस्टिब्यूल का काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट, या कंडीशनर भी आप कह सकते हो। ये बहुत ही थिन वॉल्ड एक हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, जो कि पूरे के पूरे अपने नोज को मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। मतलब नाक में आपने एक बार गैस निकाल के देखोगे अभी भी, तो आपको ना हल्की सी मॉइस्चराइज्ड गैस निकलेगी, ठंडी और गर्मी, गर्म गैस दोनों निकल सकती है यहां से। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इसी का होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसे आप कंडीशनर भी कह सकते हो, एयर कंडीशनर, एसी। सोचो गर्म हवा भी निकलती है जब सर्दी होती है, और बाकी ठंडी हवा भी निकलती है जब निमोनिया होता है, ठीक है। चलो तो भाई ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चैम्बर भी होते हैं अपने नाक के अंदर, अंदर की तरफ। ये क्यों होता है, जिससे कि आप पता कर सको कि रेस्पिरेशन में जब गैस छोड़ रहे हो तो कहां पे छोड़ रहे हो, पता चल जाए आगे से कि और कहीं से। सो वो इसके लिए हमारा कौन हेल्प करता है, ऑल्फैक्टरी या फिर सेंसरी चैम्बर, ये हेल्प करता है। सेंसरी चैम्बर सेंस करता है कि कौन सी अपने पास गैसेस हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी जिसे कह सकते हो आप। ये फिलहाल अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है अपनी नोज के, दो लोब्स होते हैं इस तरीके के, जैसे कि फीमेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा ना ऐसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थे। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पर भी ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, फिलहाल इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि ये पूरे के पूरे जो भी बाहर के मतलब जैसे किस तरीके की एयर है उसे पहचानना, उसे सेंस करना, और ब्रेन तक सारे की सारी चीजों को उस सिस्टम को पहुंचाना, जिससे ब्रेन पता कर सके कि भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसलिए चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं अभी फेरिंग्स के बारे में। तो भाई फेरिंग्स जो होते हैं थ्री पार्ट्स का होता है, इसमें पहला हो गया नेसोफेरिंग्स, दूसरा हो गया लैरिंगोफेरिंग्स, एंड देन अनदर वन इज ओरोफेरिंग्स। सभी का अपना अपना काम है। जो नेसोफेरिंग्स होता है सबसे ऊपर है, जो नेसल या फिर नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होता है, नेसल चैम्बर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देन ओरोफेरिंग्स जो कि मिडल में आता है, यानी कि अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख के अपने लिख सकते हो, नेसोफेरिंग्स कनेक्टेड टू दी नेसल चैम्बर, क्योंकि ऊपर नेसल चैम्बर होता है। नेसोफेरिंग्स बिलो द नेसोफेरिंग्स देयर इज ओरोफेरिंग्स, देन इन बिटवीन ओरोफेरिंग्स इज देयर, यानी कि इन बिटवीन द नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स देयर इज ओरोफेरिंग्स। यानी ओरोफेरिंग्स क्या होता है, मिडल में होता है, मिडल में ओरोफेरिंग्स, देन लास्ट में सबसे लास्ट में लैरिंगोफेरिंग्स होता है। यहाँ पे कौन होता है, लैरिंगोफेरिंग्स, ये पूरा का पूरा फेरिंग्स है। तो लैरिंगोफेरिंग्स सबसे नीचे, ऊपर नेसोफेरिंग्स जो नेसल कैविटी से कनेक्टेड होता है, और देन ओरोफेरिंग्स जो कि बीच में मिडल वाला पार्ट, जहां पे वो अपने मतलब माउथ की और नेसल फेरिंग्स की कनेक्टिविटी होती है, उसे आप कहते हो ओरोफेरिंग्स। तो अब एक बात और सिंपल है ना कि यार लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे, लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे ही कौन आएगा, लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स, इसीलिए इसका नाम है लैरिंगोफेरिंग्स,
ठीक है। और ऑरोफेरिंग्स क्यों है, क्योंकि ऑरो मींस होल, और होल किसका किसका है, अपने नसल कैविटी का और अपने माउथ का होल होता है ऑरोफेरिंग्स के पास। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में फेरिंग्स दो मार्क्स को पूछता है, बता देना। इट हैज थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स सबसे अपवर्ड पार्ट होता है जो कि नेसल चैम्बर से कनेक्टेड होता है, और एक कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, यहाँ से खाना पानी सब जाता है, हवा भी। और फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स आता है जो कि नेसोफेरिंग्स के बीच में होता है पैलेट बोन के पास। अब पैलेट बोन आपको ये गूगल करना पड़ेगा डायग्राम देखने के लिए, बोन होती है अपनी हड्डियां होती है गले के पास, उसी को पैलेट बोन कहते हैं। आगे चल के एक और बोन मिलेगी, यूआइड बोन या वाइट बोन, ठीक है, ऐसे याद रखना, वाइट नहीं यूआइड, ओके। देन लैरिंगोफेरिंग्स सबसे नीचे आता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। फेरिंग्स जो होता है इसके पास बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स भी होता है इसके पास, ठीक है, टॉन्सिल्स तो आप जानते ही रहोगे ना, याद रखना। ये होता है लैरिंग्स का पार्ट। नेक्स्ट आता है गाइस लैरिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ जिस वजह से तुम मुझे सुन पा रहे हो, ये लैरिंग्स की मदद से हो रहा है। लैरिंग्स मेरे पास नहीं है तो मैं आज बोल नहीं पाता, तुम भी नहीं, कोई भी नहीं। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स से फूड एयर पानी सब पास होता है, लैरिंग्स से वॉइस निकलती है, बात ध्यान रखना अच्छे से। और इसके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और इसके पास वोकल कॉर्ड भी होता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर सके साउंड को। ये कैसे होता है, ये होलो ट्यूबुलर और स्ट्रक्चर, इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। आपने सीटी देखी होगी ना, कैसे बजाते हैं हम लोग, कैसे अंदर से होल रहता है, कुछ वैसे ही होता है। और ये लैरिंगो फेरिंग से कनेक्टेड होता है। अभी ये फेरिंग्स है ना अपना, मैंने इसलिए डायग्राम दिखा, ऐसे डायग्राम बुक में थोड़ी है, समझाने के लिए आपको बताया है। ये लैरिंगो फेरिंग से नीचे यहाँ पे लैरिंग्स रहता है, तो लैरिंगो फेरिंग जो फेरिंग्स का पार्ट है उससे कनेक्टेड होता है अपना लैरिंग्स, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पास इलास्टिक वोकल कॉर्ड होता है। इलास्टिक मीन्स आगे पीछे, आप इसे मूव कर सकते हो, अभी अपने गले में आप हाथ लगाओ, ठीक है, और जोर से आगे पीछे जो आपका पार्ट है उसे ऐसे ऐसे घुमाओ तो वो मूव कर सकता है, क्योंकि वो कार्टिलेज बोन से बना होता है, या मेम्ब्रेन से भी कह सकते हो, मसल से भी बनता है, तो इसीलिए आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे लाइन फोल्डेड होती है। और इलास्टिक वोकल कॉर्ड, ज्यादा फोल्ड करोगे लटक जाओगे, ज्यादा तो इसे दबाना मत, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो इसे आप अच्छे से याद रखो, ठीक है, ये पूरा पूरा आपका पार्ट है इस तरीके का। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो लैरिंग्स होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, जस्ट लैरिंगो फेरिंग्स के पास, ये तो पता ही है। और इसके पास वहीं पे ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस आपने देखा होगा, फीमेल को ग्लॉटिस कम दिखता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेल होते हैं ना उनको ऐसे ग्लॉटिस होता है, आप समझ सकते हो अभी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, समझ ना, इतना भी नहीं होता जितना मैंने बना दिया, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके का, इसे आप ग्लॉटिस कह सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है, मेल को दिखाई देता है, किसी किसी मेल को भी नहीं होता, वो उनके जेनेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, वो उनके ऊपर थोड़ी है बेचारों के ऊपर, जिसे होगा देखा जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। सो ये लैरिंग्स यहाँ पे, यहीं पे क्या होता है, ग्लॉटिस, और ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे एपी, एपी मीन्स आउटर या एक्सटर्नल या एबो, इसे इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एपोग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, जो कि ट्रैकियल एंड और विंड पाइप के पास होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, चलो। और ये एपीग्लॉटिस की हेल्प से ही, जो एपीग्लॉटिस होता है ना, यही हमारे ट्रैकिया और फूड में मतलब डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब लैरिंग्स में अगर खाना चला गया तो आप बोल नहीं पाओगे, यहीं से क्या होता है, फेरिंग्स के बाद डिवीजन होता है ईसोफेगस में और रेस्पिरेटरी वाले ट्रैक्ट में, ठीक है, रेस्पिरेशन की अलग पाइप बन जाती है और ईसोफेगस की अलग पाइप बन जाती है, यहीं से, ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो यहां से ये डिफ्रेंशिएशन होता है विद द हेल्प ऑफ एपीग्लॉटिस, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूइड बोन जो होती है, यहां से देखो इस तरीके से ह्यूइड बोन से अपना ये जो भी है लैरिंग्स कनेक्टेड है, ये देखो एपीग्लॉटिस है जो हमारे बाहर दिखता है, यहाँ पे थायराइड मेम्ब्रेन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी होता है, ठीक है। फिर ये लैरिंगो, यहाँ पे लैरिंजियल प्रोमिनेंस, एडम्स एप्पल जिसे आप कह सकते हो, जो हमारे बाहर दिखाई देता है ना, वो एडम्स एप्पल आप इसे कहते हो, वो है। और एपीग्लॉटिस क्या करता है, अपनी पाइप्स को, आपने देखा होगा ना पाइप्स, देखो ना यहाँ पे हल्का सा ऐसा उभार दिखा रहा हूं ना मैं, ये मेल लोग को होता है ये, और ये जो है ना ये बाहर एडम्स एप्पल, ये भी मेल लोग को ही होता है, ठीक है। तो जो एपीग्लॉटिस है वो अंदर की तरफ रहता है, ऊपर एबो डायरेक्शन में, उस चीज को इमेजिन करो ना यार अभी, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ होता है एपीग्लॉटिस, जिससे हमारे बॉडी में डिवीजन होता है, किसका डिवीजन, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाइप के लिए, विंड पाइप के लिए, और एक फूड पाइप, इस तरीके का। तो यहां से होता है, और ये थायराइड कार्टिलेज है, ये बोन है, ठीक है, जो कि एडम्स एप्पल के बाहर होती है, और इसी के अंदर थायराइड बोन होता है, जो हमारे मेल में देखो आपने एडम्स एप्पल देखा भी होगा बाहर से दिख जाता है, लेकिन फीमेल में नहीं दिखता है। एपीग्लॉटिस भी सेम, एपीग्लॉटिस तो बाहर किसी से भाई किसी में नहीं दिखता है, ठीक है। सो एपीग्लॉटिस और ये जो एडम्स एप्पल है, ये हमारे बॉडी में बाहर से दिखता है, तो आप जो टच करोगे ना दिखेगा, ऐसा टच करोगे दिखेगा,
ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। और फिर आगे आता है ट्रैकिया, ट्रैकियल कार्टिलेज, क्योंकि ना यहाँ पे लाइनिंग है ऐसे छोटी छोटी, आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यह बात तो अच्छे से आप याद रखना है। तो यहाँ पे ट्रैकिया, जिसे आप विंड पाइप कहते हो, अभी हमको ट्रैकिया के बारे में पढ़ना है। फूड पाइप कौन होता है? ईसोफेगस होता है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। ईसोफेगस से खाना हमारे स्टोमक में चला जाएगा, ठीक है, हमें विंड पाइप के बारे में पढ़ना है। तो ये विंड पाइप क्या होता है? ये जस्ट एक लॉन्ग 10-12 सेंटीमीटर की एक लेंथ वाली होती है विंड पाइप, एग्जाम में पूछेगा। और ये ईसोफेगस के आगे होती है, मतलब देखो ऐसा ईसोफेगस रहेगा और इसके सामने क्या रहेगी? विंड पाइप रहेगी, समझ सकते हो ना। पीछे साइड रहेगी ईसोफेगस और आगे साइड ये विंड पाइप रहेगी। इन विंड पाइप को सी शेप्ड, ऐसा सी शेप्ड देख लो ना, यहाँ पे जो मैं ये बनाया हूँ, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है, ये सी शेप्ड लाइन होती है। ऐसे 16 से 20 रिंग्स होती हैं, जो कि कार्टिलेज बोन्स की रिंग बनती है ये। और यही रिंग्स पूरी की पूरी ट्रैकिया को क्या करती है? पूरी की पूरी ट्रैकिया को कवर करके रखता है। ये रिंग्स होती है, 16 रिंग होती है, 16 से 20 रिंग्स। ये आपके बुक में ऐसा कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैंने आपको बताया है। और ये भैया अपना लैरिंग्स, जिससे आवाज निकलती है, और इसके ऊपर होता है अपना ऐसा फेरिंग्स, ऐसा इसके ऊपर होता है फेरिंग्स। और फिर ये आगे चल के डिवाइड होगा अपना ट्रैकिया, क्योंकि आगे अभी कौन आएगा? आगे अपने लंग्स भैया आएंगे। तो यहाँ पे अभी क्या होगा? डिवाइड इस तरीके से, समझ रहे ना। ये राइट मेन ब्रोंकस और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस, इस तरीके से ब्रोंकस में डिवीजन होगा। जो ये ट्रैकिया होती है ना, ये सिलिएटेड यानी छोटे छोटे इनमें सिलिया लाइक हेयर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बनता है। एपिथीलियम मतलब क्या? एपिथीलियम मतलब लेयर होती है, इससे बनता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के वजह से अपने ये बाद में लंग्स में एंटर करता है, लंग्स के अंदर ये एंटर करेगा और वहां पे जाके रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसे भाई आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, सो मुझे स्टॉप करना चाहिए। आगे चल के हम लोग लंग्स के बारे में एंड मेनी मोर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हम, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट सारी चीजें क्या है ना, जानते हो ना, पूरा टाइम हो चुका है तो क्या फायदा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से गैस अंदर से बाहर आती है अपने लंग्स में, कैसे ब्लड स्ट्रीम में जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और फिर कैसे ATP बनती है, वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट।